मातरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री कर्मसार प्रभु जी के प्रेम भक्ति श्रीबंधु आदरणीय भाई और बहनों, दो शब्द इस भजन के ऊपर जो किरण ने गाया है, बहुत सुंदर भजन है कि हमें सुधार करना चाहिए। दहेज के ऊपर बोला है, हमारे हिंदू धर्म में दहेज की कोई प्रथा नहीं थी, क्योंकि स्वयंवर की प्रथा होती थी। तो स्वयंवर में कहीं हम लोगों ने पढ़ा पीछे साहित्य में कि स्वयंवर में वो लड़की को ले जाता था बहादुर एक वीर, तो उसके साथ उसको कुछ दहेज भी मिलता था, कोई नहीं थी। ये हिंदू धर्म नहीं है, तो ये कैसे आ गई बात, इसको देखना चाहिए। भारत 700 साल तक गुलाम रहा, 300 साल अफगानिस्तान का, जिसके बारे में आज सुनते हैं अफगानिस्तान, उसने हमारे ऊपर 300 साल राज किया है। फिर उसके बाद वो मुगलिस्तान के मुगलिया आगे मुगल का बदला 200 साल उन्होंने हमारे ऊपर राज किया है, और फिर अंग्रेज आगे 200 साल उन्होंने राज किया है। तो 700 साल में गुलाम रहे, और गुलामी रहनी तुम्हारे अंदर आ गई, और गुलामी रहने की होती है कि गुलामी का जो निशान है छोड़ना नहीं चाहते, वो गुलामी का आदत बनाए रखना चाहते हैं। तो ये दहेज के ऊपर क्या, दहेज कहाँ से आ गया? मुसलमान की आदत थी, कोई राजा होता था तो रानी छीन छीन के ले जाते थे। आप रानी पद्मिनी का इतिहास भी पढ़ते हैं, इतिहास के जहाँ देखते थे कि लड़की अच्छी से बड़ी छीन के ले गए बादशाह रानियों को, और आम मुसलमान को शादी होता था लड़की को उठा के ले जाते। तो अब सेफ्टी क्या थी, जुल्म तो बहुत हो रहा था, तो लड़कियों को उठा के ले जाते। तो हिंदुओं ने क्या किया कि लड़की को बचपन से ही शादी कर देते थे, 5-6-7 साल की लड़की की, और कई बार तो ऐसा होता कि जन्म से पहले शादी कर देते थे। दो के घर औलाद होनी है तो वो फैसला हो जाता है, अगर तुम्हारा लड़का होगा मेरी लड़की होगी तो शादी कर देंगे, और अगर लड़की हो जाती है तो चलो दूसरी बात थी, या लड़के दो हजार दूसरी बात थी। लेकिन वो 5-6 साल की लड़कियों की शादी हो जाया करती थी, ताकि माता पिता का डर चला जाता था। तो जब छोटी लड़की की शादी हुई तो लड़की के खिलौने भी शादी में होते थे। हमने देखा है पहले इसमें आदत पड़ी थी कि लड़की का दहेज कैसे बनता था, एक गेंद, एक गुड्डियां बटोरा, गेंद हमने देखे बनते कैसे, आगे कोई ये गेंद नहीं होती थी रबड़ वगैरह के, कपड़े के बनाकर ऊपर कपड़ा लपेट कर ऊपर के सीधा कर देते, खेल जाते थे और कपड़े गुड़ी होती थी। जब लड़की की शादी होती जो उसकी गुड़ी होती थी फिर वो बेचारी छोटी सी सियासी दे देते थे। तो ये था लड़की का, 5-6 साल की लड़की का दहेज, और देना पड़ता था। बच्ची ने से कहती माँ मेरी गुड़िया, वो कहती ले जाओ गुड़िया भी ले जाओ। आज वो गुड़िया पटोले मोटरे बन गई है, और वो गुलामी की निशानी हम छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे हम गुलाम रहना चाहते हैं। आज भी हिंदू गुलाम हैं, आजादी से बोल नहीं सकते, बोल के दिखाएं अभी वोटे नहीं मिलेंगे, अभी हम गुलामी की निशानी हमारे ऊपर। लेकिन ये तो बाई दबे हुआ, अब हम असली विषय पर आते हैं। हमारा असली विषय है गीता। गीता के 12 अध्याय में विचार में है, गीता ग्रंथ क्या है? शास्त्र में लिखा है गीता एक बड़ा भारी ग्रंथ है। गीता सुगीता कर्तव्य, गीता को बड़े ध्यान के साथ पढ़ना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्य, पर इसको ध्यान से वो पढ़ेगा जो देखेगा गीता है क्या। कोई ग्रंथ आप लिखते हैं तो आपके कोई विषय होता है ना, उस विषय पर लिखते हैं, तो गीता का विषय क्या है? गीता का विषय है योग।
क्योंकि आप गीता में लिखित का पढ़ेंगे अंत में योग शास्त्री कृष्ण अर्जुन सुवादी, ये योग शास्त्र है। अब योग शास्त्र को ध्यान दृष्टि से कोई पढ़ता नहीं है, गीता गीता पढ़ते हैं। तो जब योग शास्त्र पढ़ना है तो योग के दृष्टि पढ़े, और फिर हर एक गीता के 18 चैप्टर हैं, अध्याय हैं, हर एक चैप्टर के ऊपर एक हेडिंग है, हेडिंग मैं बताऊँ वो अखीर में लिखा हुआ है, विषाद पर्व वो पर्व वो अध्याय, हर जिस अध्याय को पढ़े उस अध्याय का कुछ भी कहानी को पढ़े, कहानी के ऊपर हेडिंग होता है ना, वो हेडिंग के अनुसार ही आप समझेंगे इस कहानी क्या है, अगर फालतू बात आएगी उसको छोड़ देंगे। तो परंतु गीता को जो अध्याय करते हैं बड़े बड़े विद्वान हैं, वो हेडिंग का ध्यान रखकर और अपनी तरफ से कुछ निकाल लेते हैं उसमें से। तो हमने गीता का जो ध्यान करना है, क्योंकि हम योग पर विचार में बैठे हैं, हमने योग की शिक्षा ले ली है, और गीता योग शास्त्र है, और हर एक अध्याय के फिर मैंने आपको बताया था जितने अध्याय हैं हर एक भी योग अध्याय के नाम भी लिखा है। जैसे कि पहले अध्याय का नाम है विषाद योग, दूसरे का नाम है सांख्य योग, तीसरे का नाम है कर्म योग, तीसरे का नाम है ज्ञान कर्म सांख्य योग। देखो हर एक योग नहीं लिखा, किसने लिखा है, रचने वाले ने लिखा है, मैंने लिखा, और ये चैप्टर एक उस चैप्टर का हेडिंग है, और वो इस तरह हेडिंग है, कर्म संन्यास योग हेडिंग है, और आत्मसंयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुरु योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, ये 12 के जो हमने अध्याय पढ़े 12 के नाम के ऊपर हेडिंग है योग का। तो योग की दृष्टि पर हम देख रहे हैं, तो योग की दृष्टि जब गीता को देखते हम, तो अब गीता का योग तो है, और योग का लक्ष्य क्या है, योग का लक्ष्य मोक्ष, और हर एक जो भी पढ़ते हैं उसमें लिखा है मोक्ष क्या प्राप्त। तो भगवान ने व्यास यहाँ पर गीता के अंदर कई तरह के साधु बतलाए हैं जिनसे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और हमने देखा कि पहले 4 अध्यायों के अंदर हमें वो स्थान में बताया कि जब हम इतने योगी बन जाते हैं जैसा राजा जनक था, और उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। तो कैसे, वो जो 4 ध्यान बताया कि पहला जो योग है वो विषाद योग, इसका मतलब हमारे में वैराग्य पैदा हो, वैराग्य पैदा हो तो लोग वैराग्य बनकर फिर कहाँ जाना है, अंतर्मुखी होना है, जिससे दूसरे का नाम है सांख्य योग, के अंदर आत्मा को देखो ज्ञान को देखो, ना जायते ना मिलते कदाचित है उसकी तरफ देखो, कभी मरता नहीं कभी। अब तीसरा अध्याय है कर्मयोग, कर्मयोग के ये दर्ज बताया था कि भाई अंदर इसलिए बैठे रहो, बाहर भी निकलना है, भूख भी लगेगी, तो इसलिए काम भी करना है, जहाँ विराग हो, जहाँ हमारे अंदर ज्ञान हो वहाँ काम भी करो, उसका नाम कर्मयोग। पर साथ बतला दिया कि तीनों चीजों को हमने ज्ञान कर्म को करते हुए तो मुक्ति भी तो लेनी है, उसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, के साथ हम ऐसा हमारे होना चाहिए योग जिसमें हम संन्यासी की तरह, संन्यासी क्या हमारी इच्छा कोई ना हो, उसका मतलब कर्म करें लेकिन फल की इच्छा ना हो, तो वो हो गया निष्काम कर्म जिसे कहते हैं, गीता में निष्काम कर्म है, तो निष्काम कर्म करते रहे तो क्या हो जाएगा कि काम कर रहे हैं, राज पर जनक बैठा हुआ है, राज भी कर रहा है लेकिन संन्यास की तरह। वो ऐसे मनुष्य कहते हैं कि देव ठोकते हैं। अब एक मुक्ति हो गई, जो गीता में मुक्ति का मतलब है, देह मुक्ति का मतलब मुक्त हो गया लेकिन शरीर बाकी है, अब अगर शरीर छोड़कर दूसरे भी शरीर में गया तो ऐसे फिर आगे चलेगा। तो उसके बाद अतः देखो हम ये नहीं चाहते कि दोबारा मुक्ति हो, जन्म हो, हम तो ऐसी मुक्ति चाहते हैं कि हम
वास्तव में मुक्ति हो जाए। तो उसके लिए अगला चैप्टर कहा था कर्म संन्यास योग, कि जो कर्म करते हो ना वो आत्मा को अलग कर लो, कर्म जीवन को अलग कर लो, कि मैं नहीं कुछ कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये शरीर ही कर रहा है, यानी प्रकृति को आत्मा से अलग कर, जो योगी कर लेता है वो है कर्म संन्यासी, कर्म करता हुआ संन्यासी। और वो क्या होगा, कर्म संन्यास के अंदर वो जब छोड़ेगा शरीर तो मैं तो रहेगा लेकिन प्रकृति नहीं रहेगी, और वो फिर मैं स्वतंत्र होगा जब चाहे जन्म ले जब चाहे जन्म ना ले। और वो अवस्था बड़े भारी योगी की होती है, उस योगी को कहते हैं ये भगवान कृष्ण की तरह योगी है, जब चाहे आ सकता है जब ना चाहे आ सकता है, चाहे लाख साल रहे चाहे 2 लाख साल रहे, मगर जब चाहे आ भी सकता है। इसलिए वो एक ऐसे होते हैं कि चूंकि संसार को जब देखते हैं ना कि संसार में धर्म का नाश हो रहा है तो आ जाते हैं, यदा यदा धर्म से गिलानी भक्ति भारत आत्मनम से जाम गया, मैं आप आ जाता हूँ। तो कहता है कि मैं युग युग में आ जाता हूँ, जब मर्जी आ जाता हूँ। तो ऐसा योगी होता है वो उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां पर के वो अपनी इच्छा से जन्म लेता है, और जब ना चाहे नहीं जन्म लेगा। तो वो कौन सा होता है, जो कर्म संन्यास योग, कर्म को भी काट दो, आत्मा से कर्म अलग कर दो, प्रकृति काम करती है। और ईश्वर भी कभी यही गल है, ईश्वर कहता है मैं सृष्टि रचता हूँ लेकिन मैं नहीं रहता, खुद ही रची जाती है, वो है कर्म संन्यास। अब आगे छठा चैप्टर आता है आत्म संयम और ज्ञान विज्ञान, छठा सातवां ये है कि ये सब करने के लिए ये नहीं बातों से हो जाएगा, संयम क्या करना है, प्रैक्टिस क्या करना है, योग क्या करना है इस अवस्था प्राप्त करने के लिए, नहीं तो झूठे विरागी होते हैं, काम साधन होते हैं तो विरागी तो होते हैं। तो इसलिए छठा चैप्टर आत्म संयम योग और ज्ञान विज्ञान योग। अब जो भी कहता है मैं बार बार जन्म लू, 10 लाख साल के बाद जन्म लेना, मैं इच्छा ही नहीं चाहता, मेरी इच्छा ही ना होगी जन्म लेने की। तो वो चैप्टर आया फिर आगे अक्षय ब्रह्म योग, अक्षय ब्रह्म है, जो अक्षय ब्रह्म का एक होता ही नहीं है, और ब्रह्मन परमात्मा, वो जो योग है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, आई ना पानी जैसे गया तो पता नहीं बूंद है भी कि नहीं, वो आत्म संयम अक्षय ब्रह्म योग है। तो इस तरह के देखो गीता के अंदर तीन प्रकार की मुक्ति बतला दी, एक हमें देह मुक्त, एक हम जब प्रकृति से मुक्त, और एक जो है ब्रह्म लीन। अब ये गीता योग नहीं तो और क्या है, अब इस तरह कौन पढ़ते हैं गीता को, हमने गीता में ज्ञान लेना है। अब परंतु जहां तक ये गीता कहती कि भगत कहेंगे ये तो कौन कर सकता है, इतना कैसे करेंगे, होगा कैसे। तो वहां मैंने बताया था कि 9वां चैप्टर जो होता है वो है कि एक आसान मार्ग बताया है, उसको कहते हैं रॉयल रोड टू सॉल्वेशन, राज विद्या राज गुरु है, बड़ा संभालने वाली चीज, लेकिन राज विद्या क्या, आप साधना करते रहो और जिस भगवान में लीन होना है उस भगवान को सर्वव्यापक समझो और भगवान की चिंता करते रहो, और वो है सर्वव्यापक भगवान को समझकर, जहाँ सब जगह भगवान ही भगवान है, और हम इधर भी देखते हैं भगवान है उधर भी देखते हैं। स्वामी जी की अवस्था ऐसी थी, तो मैं मानस ईश्वर कैसा है, कहते ईश्वर सब जगह, मैं तो पत्थर के दीवारों में भी ईश्वर को देख रहा हूँ, अवस्था आ जाती है ना वो। तो वो है राज विद्या। तो एक क्वेश्चन की हमने बताया था कि राज विद्या द्वारा कि मैं इधर देखूंगी तो मुझे मीटिंग में भगवान नजर आए तो कहते मेरे पावर हो जाए, ऐसे समझता हुआ दिखलाई देगा नहीं तो समय, तो भगवान उसमें आया था कि इस का एक उपाय है
इसमें उपाय क्या है कि भगवान के जहां पर विशेष विशेष हो उसमें भगवान को देखो, मुझे देखो, चमत्कारी कोई चीज है, कोई बड़ा देवता है उसमें समझो मेरा मेरी शक्ति है, कोई विलक्षण जानवर है उसमें मेरी शक्ति है, कोई विलक्षण मनुष्य है, जैसे कहते हैं कि देखो जो जितने पे ऋषि हुए उनमें मेरी शक्ति ही हुए ना, और जो देवता हुए मेरी शक्ति से हुए, तो मनुष्य हम लोग देवताओं में भी देख सकते हो, मालिक है तुम, मनुष्य में देख सकते हो, पशुओं में भी देख सकते हो, और ये जलचरों में देख सकते हो, और ये जल चीजों में देख सकते हो, आपको जड़ में कैसे बताए कि बट वृक्ष देख लो, मेरी शक्ति है कभी मरता नहीं है, लाख साल के बाद नहीं मरेगा, मेरी शक्ति से यह चीज बनी, और बड़ी बड़ी जितनी यह शक्ति है वो मेरी शक्ति है, तो मुझे उनमें देखो कि भगवान ने क्या गली लबलाई है, तो तुम्हें ये इसको इसके नाम में रखा गीता में विभूति योग, तो विभूति देखते अभी तो योगी बन रहोगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, देखते रहो। लेकिन एक प्रश्न में आता है कि ये विभूतियां देखते ऐसे विभूतियां फंस जाए, हम बट वृक्ष में लगे, बट की पूजा करने लगे, पिपल की पूजा करने लगे, और फिर हम जाएंगे तो हम तो भगवान को देखने चाहते हैं, तो भगवान को तो अर्जुन ने उस वक्त पाठ किया, भगत भी अटकार सकता है कि मैं तो देखूंगा देखूंगा देखूंगा, और कहते अगर ऐसी भक्ति आ जाए तो कहते उस भक्ति द्वारा वो फिर मेरे भी दर्शन हो जाते हैं, उसे कहते हैं विश्व रूप दर्शन योग, जो कि अर्जुन ने कहा पढ़ते अर्जुन दिखा दिया, वो तो दिखाया कि करोड़ों सूर्य चमक आए उनका जैसा प्रकाश होगा उसने देखा, उस शरीर में सारा संसार नजर आता है और सारे संसार में नजर आते हैं, वो है विश्व रूप दर्शन। और फिर अगला चैप्टर आया था उसके बाद कि ऐसा चैप्टर ये अवस्था प्राप्त कैसे हो, साधारण भक्ति से नहीं, ये तो अत्यंत गुण भक्ति से अवस्था प्राप्त हो सकती है, और उसके योग का नाम है वहां लिखा है भक्ति योग, वहां भक्ति योग शुरू होता है कि ऐसी भक्ति बस भूल जाओ, स्वामी जी की तरह या तो ध्रुव भगत की धन्य भगत की चीजें पढ़ते हैं, वो भी ऐसे उन्होंने भगवान को देखा, मगर कहते हैं गीता में कि जो मैंने तुम्हें दिखलाया ऐसा कभी नहीं दिखलाया, पर वो कहता है कैसे देखा जाए, इसके लिए भक्ति ऐसी चाहिए। तो अब ये हमने 12 चैप्टर का अपने खुलासा बतला दिया, देखो गीता में हर एक चैप्टर योग दिया है और किस तरह धीरे धीरे एक चैप्टर दूसरे के साथ हमें आगे आगे ले जाता है और हमें बतलाता है कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब क्योंकि मैं तो इतनी भक्ति भी नहीं कर सकता कि मैं आपको इस जगह में देख लूं, मेरे से तो असंभव है, तो एक और भी तरीका है और वो आज का चैप्टर है, उसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञान विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्र विभाग क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग करके जो देखना है ऐसा योग। अब क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, ये एक आसान तरीका है, उससे भी आसान तरीका है, तो आसान मुक्ति के लिए आसान तरीका कोई नहीं होता, और इस क्षेत्र क्षेत्र योग के द्वारा भी भगवान कहते हैं मुक्ति हो जाती है, और वो साफ तो कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चो ये विदुर जानती थे परम, जो इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को ज्ञान की दृष्टि देख लेते हैं उनका भेद क्या है, तो वो भूत प्रकृति मोक्षम इस संसार से मुक्त हो जाते हैं, कि ये मुक्ति तो होगी, हर एक योग के अंदर मुक्ति बतलाई है, परंतु अपने जो जिसके संस्कार हो जो जैसी साधना कर सके, तो ये क्या होता है क्षेत्र क्षेत्र के योग। क्षेत्र है ये शरीर, इस
कुछ शरीर खेत में से मुक्ति की पैदावार करनी है, काम बहुत हो गया। अब मुक्ति इस शरीर में नहीं, मुक्ति के लिए ना, और कुछ नहीं मिला है, कोई लड़ाई करने के लिए मिला, झगड़े पैदा करने के लिए मिला, खाने पीने के लिए मिला, शरीर तो मिला ही मुक्ति के लिए है। और इसलिए कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अवधीयते, अर्जुन ये शरीर को क्षेत्र कहते हैं, ये खेत है, अब इस खेत में पैदा कर लो मुक्ति। और फिर क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्रज्ञ कहते हैं परमात्मा, क्षेत्रज्ञ है जो जान, क्षेत्रज्ञ खेतों को जानने वाला, सारी सृष्टि को देख रहा है, जान रहा है। क्षेत्रज्ञ चौपी माम बुद्धि, उस क्षेत्रज्ञ को समझो कि मैं हूं, सर्व क्षेत्र शुभारे, सब क्षेत्र में फैला हुआ, सब शरीरों में व्याप्त, मैं जो क्षेत्र और नाम बदल दिया ना, एक प्रकृति, प्रकृति ये सारी अपने शरीर जिसे मुक्ति लेनी है, और वो परमात्मा जिसको मिलना चाहते हैं, ये हमारा परमात्मा का सम्मान है। लेकिन परमात्मा में लीन होने के लिए फिर खेत में ऐसी फसल तो नहीं हो जाएगी, करना पड़ता है। तो कहते उस वहां उस अध्याय में बताया कि इसलिए खेत का स्वभाव क्या है। अब जब खेत है तो मिट्टी भी खेत की देखते हैं कि इसमें क्या क्या गुण है, क्या उसमें लगा क्या सकते हैं, कैसे का स्वभाव तो जानना ही पड़ेगा उस मिट्टी का। तो खेत ये जो शरीर मिला है इसका कहते हैं तत् खेत यच्च यात्रिक्च, वो खेत जैसा है यच्च यादृच और जिस प्रकार का है, और याद विकारी चो और जिस प्रकार उसमें चेंजेस आती हैं, तब्दीलियां आती हैं, साच याद प्रभावाच और उसका जो प्रभाव है, जो शक्ति है, तत्समा से मिश्र वो मैं बताता हूँ। ये नहीं जमीन है, जमीन के अंदर वैसे कैसी है, मिट्टी कैसी है, इसमें क्या उगेगा, कैसे उगेगा, वो सारा तब खेत को पैदा होगा। तो इसलिए कहते हैं ये उसका वो खेत कैसा है और किस गुण का है, उसमें क्या नुक्स है और उसके प्रभाव क्या है, वो इन ब्रीफ कहते हैं समास इनमें, समास इनके मेरे से तुम ब्रीफ भी सुनो। और ब्रीफ ही सुनाने कहते हैं कि देखो इतनी चीजें हैं जो हमारे शरीर के अंदर है, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यात्मा एवजो अव्यक्तम एवजो। एक तो पांच तत्व है महाभूत, और फिर अपना अहंकार के पांच तत्वों का मैं मालिक हूं, और बुद्धि इसमें ज्ञान भी है, और अव्यक्तम वो जो पांच तत्वों का सूक्ष्म रूप है जिसे बने वो भी इसमें है। इतनी चीजें हैं, पर इतनी नहीं, इसके साथ वो देख रहे हो इंद्रियां दश एक, जो पांच इंद्रियां, पांच कर्म ज्ञान इंद्रियां, इंद्रियां दश एक जो, और मन भी साथ है, ग्यारह इंद्रियां हैं इसकी के साथ, पंच च इंद्रिय गोचरा, और पांच इसके गुण भी हैं, या वो जिसको देखता है ये, जिसको चखता है, जो सुनता है, वो भी इसी के साथ लगे हुए, और इसके साथ से और भी कुछ लगा हुआ है, वो क्या इच, वो याद याद विकारी या जो उसमें विकार है, जो दोष है, तो कहते हैं इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघाता चेतना देती, इच्छा लगी हुई है, द्वेष है, सुख है, दुख है, और सारा ये शरीर का समूह है, ये भी हमारे साथ ही है। एतत् क्षेत्रम समासेन सभी कारण उदाहरित, कभी ये मैंने बता दिया खेत है तुम्हारा, इसमें सब कुछ है, कुछ चीजें भी हैं, कुछ उनके विकार भी हैं, गुण भी हैं, इस खेत को समझना है। अब इस के दोष है ये है, इसके लिए साधना करनी है, तो
पहले इनको साफ करना होगा, खेत को पहले साफ करना होता है, करना तो साफ कैसे होगा। तो साफ कहते हैं ये गुण पैदा करने होंगे, मुक्ति आसानी से ही मिलेगी। इस खेत को ऐसे ये सब कुछ है उसको साफ भी करना होगा तब उसको पैदावार होगा। तो है अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा शांति राजम, ये बहुत गुण दिया है। इनको हमें देखना है कि पैदा हम है अमानित्वम, हमारे अंदर अभिमान ना आए, अदम्बितम दम ना आए, अहिंसा हिंसा ना आए, और शांति यानी ये गुण आए हमारे अंदर, अहंकार ना हो, दम ना हो, हिंसा ना हो, और हमारे अंदर क्षमा की भावना हो, और आज जो हमारे अंदर सादगी हो। हमने गुणों को नोट करें, बहुत से दिए हैं। अब जैसे वो तो योग दर्शन दिया ना, यम नियम इसे गीता में तो पुत्र गृह और दार, पुत्र स्त्री और भाई के अंदर बहुत आसक्ति ना हो, उनमें आदमी उलझ ना जाए। तो नित्य जो समचित्तत्व सदा एक चित्त रहना, यानी कभी क्रोध में आ गए, कभी शांत आए, कभी हो गए, नित्यम समचित्त रहना है। इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, कब इष्ट अनिष्ट हमारे ऊपर दुख है या सुख है उस वक्त पता नहीं लगे कि सुख है या दुख है। हमारा हृदय जो है, चित्त जो है, एक रस रहे। और मेरी च अनन्य योगिन भक्ति, परमात्मा की अनन्य योग से भक्ति एक बस, वही देखना, जब देखना उस परमात्मा को, अपने इष्ट को देखना, अनन्य भक्ति से कहते हैं। वो विविक्त देश तुम एकांत में आने की कोशिश करनी है। कैसे? अरति ज्ञान संसदी, बहुत संगत के अंदर विचली लेनी, अकेले में दिल ही लगता मैं तो फिर कहीं चला जाऊं, वो पार्टी में चला हूँ, पार्टी में चला जाऊं, कि मैं बोर हो जाते हूँ। वो बोर होने की बात नहीं होनी चाहिए, एकांत में रहने का प्रयास होना चाहिए। एकांत में रहकर तो ही भक्ति होगी ना। और कितने गुण बताए ये गीता के अंदर, तो इतने गुण कहीं किसी शास्त्र में नहीं मिलेंगे आपको। अध्यात्म ज्ञान लेते तुम, और एकांत में रहकर अध्यात्म ज्ञान, जैसे कहा था ना पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, के मन को अंदर ले जाओ। मैंने वो रामायण में लिखा है, सबके घट हृदय ज्योत है आत्मा, उसका नाम उसको निरखित रहो, यही सारा काम आप पढ़ाओगे, काम खत्म हो गया। अध्यात्म ज्ञान में तुम आत्मा का ही देखते रहो वर्ष में, और वो दूसरा चैप्टर यही जाता है, और यही से योग शुरू होता है, और यही लिखा है अध्यात्म ज्ञान लिखते तुम तत्व ज्ञान अनुदर्शन, और तत्व ज्ञान कि संसार क्या है, इसलिए है, इससे हम तो सारी चीज एक ज्ञान होती प्रवृत्ति में ज्ञान हो जाता है। ये है जो हमें सोचते हैं, इससे अलग जो कहेंगे तो हम अज्ञान में फंस जाएंगे। अब ये होगा कि क्षेत्र क्या है, उस क्षेत्र में क्या दोष है, उन दोषों क्या दूर करना है। और देखो क्या हो गया, जमीन का पता लग गया कैसी मिट्टी है कैसी नहीं है, फिर हल भी चला दिया। अब हल चला दिया तो फिर तो फसल होगी, तो भी खेत का हो गया। अब गीता में आ गया है कि क्षेत्र की क्या है, जिसके पास हमें जाना है। ये तो बन गए, तो जाना कहाँ है? वो जाने का कहते हैं, ये है जाने का गुण कि ईश्वर के गुण है वो हमेशा हम रखने होंगे कि हमने ईश्वर को प्राप्त करने, ईश्वर ऐसा है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय, अनादि से है, आदि नहीं उसका कोई, कभी नहीं पैदा हुआ कोई। निर्गुणत्वात् निर्गुण है, तीन गुणों से परे है। उसमें तीन गुण प्रकृति है ना हमारे शरीर के अंदर, जिनको ठीक करना है, परमात्मा तो गुण नहीं है।
अब दिया वो कभी इसमें चेंज को नहीं आता। अगर वो परमात्मा शरीर में आ भी जाए, शरीर थो अपनी कौनते ना करोती ना लिखते थे अवतार नहीं लेते हैं, तो परमात्मा अगर किसी शरीर में भी आ जाए, जैसे बताया शरीर स्थो भी शरीर में आकर भी ये अर्जुन न करोती न लिपते, ना कोई काम करते है न लिपायमान होता है। जैसे कहा था आखिर में मुक्ति जब होती है तो ये होगा कि मैं तो करता ही कुछ नहीं, जो कुछ नहीं करता वही तो कहता है कि प्रकृति से आ गया, उसको कहते हैं यूनिवर्स में कहते हैं प्रकृति लय, प्रकृति लय होगा, प्रकृति खत्म हो गई। अब ये अवतार की वस्तु बता दी है कि परमात्मा को फिर मुझको वो ही समझना है कि मैं तुम मेरे भगत हो, तो मैं उस अवस्था में हूँ, मुझे समझो कि मैं कुछ ना मेरे उसको संसार लिप पाए मैं कर सकता है और ना मैं कुछ करता हूं। और यथा सर्वगतम सौक्ष्मात आकाशम नोपलिप्यते, वो परमात्मा कह रहे हैं जिस तरह आकाश सब जगह है, मगर आकाश के साथ लिप्त नहीं किसी चीज से होता, वायु भी लिप्त हो जाती है लेकिन आकाश लिप्त नहीं होता। तो इस तरह वो परमात्मा के ऊपर कोई चीज जो है असर नहीं करती, वो किसी के साथ लिपायमान नहीं होता। तो इस तरह जैसे परमात्मा सर्वगतम सौक्ष्मात, वो सूक्ष्म जो आकाश है ना अपलिप्यते लिपायमान नहीं होता, इस तरह सर्वत्र अवस्थित होते हैं तथा आत्मा अपलिप्यते, इस तरह जो आत्मा शरीर के अंदर है वो भी लिपायमान नहीं होता, आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं होता। आत्मा जैसे तभी तो आदि मुक्त होगा ना, मैं कहता मुक्त तभी होता है जब ये कहते मैं कुछ नहीं कर रहा, आत्मा नहीं कर रही शरीर कर रहा है, ऐसी अवस्था में परमात्मा जो है वो परमात्मा संसार में रहता हुआ भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, आकाश की तरह। और यथा प्रकाशयति एका कृष्णम लोकम इमं रवि, जिस तरह सूरज एक है मगर सारे संसार में वो रोशनी फैला रहा है, तो क्षेत्रम क्षेत्र यथा, वो क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में रहता हुआ शरीर में रहता हुआ भी कृष्णम प्रकाशयति, वो सारे शरीर को जीवन दे रहे हैं। तो वो उस आत्मा को जब देखते हैं वो परमात्मा का रूप है, तो वो है क्षेत्र, हम शरीर को समझे उस आत्मा को समझे इस रूप में, कहते ये जो अगर ऐसी दृष्टि बन जाए तो क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम, ये क्षेत्र और क्षेत्र में जो डिफरेंस करना है अंतर है वो है क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग, चैप्टर का नाम क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग। तो कहते वो कैसे देख रहे हैं ज्ञान चक्षुषा, ऐसे ज्ञान बुद्धि के ऐसा ज्ञान पैदा हो कि वो साफ नजर आए कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, भूत प्रकृति मोक्षम जो ये विदुर, वो भूत प्रकृति मोक्षम जो ये विदुर यान्ति यंत्रम, ये इस संसार और प्रकृति से किस तरह मुक्ति प्राप्त करनी है जिसे जानते हैं, ते यान्ति ते परम, वो मुक्त हो जाते हैं। हर एक योग में मुक्ति बतलाई, मुक्ति की साधना बतलाई, और ये आज का चैप्टर था कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है और उनका विभाग भी क्या है। इस चीज को क्या शायद आपने कभी नहीं सुनना होगा कि ये चैप्टर फजूल सा है, ये फजूल का नहीं है, ये तो बड़े रहस्य का चैप्टर है, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग। तो हर एक चैप्टर योग का चैप्टर है, और सारा जो गीता है वो योग शास्त्र है, और जो योग शास्त्र है उनकी तरह योग गीता भी योग शास्त्र है, परंतु गीता को योग शास्त्र समझने वाले आपको शायद नजर कहीं ना आएंगे, आप बहुत गीता को कमेंट्रीज पढ़ेंगे प्रो पढ़ेंगे, किसी ने बताया नहीं कि गीता एक योग शास्त्र है, लिखने वाला तो कहता है योग शास्त्र है, चैप्टर भी योग है, लेकिन वो अपने ढंग से गीता को समझेंगे या समझाएंगे और योग की तरफ कोई नहीं लगाएगा, ये तो प्रभु जी योग देने आए हैं, और इसलिए गीता का हम देख रहे हैं गीता में योग के साथ
बोल श्री सच्चिदानंद महा।